गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आज का पहला टॉपिक देखते हैं प्रीलिम्स बूस्टर में निक्सी निक्सी का मतलब है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया तो इन्होंने जो है अपना 18th फाउंडेशन डे है उसको सेलिब्रेट किया है अभी रिसेंटली तो निक्सी जो है उसने अभी कुछ और भी इनिशिएटिव्स लिए थे जब हमारा ये 2021 स्टार्ट हुआ था हमने इसके बारे में देखा भी था अपने लिम्स बूस्टर में तो उसको हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो एक फ्री इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम ऑफर करेंगे जो भी अगर कोई आई डोमेन अब आई क्या होता है जैसे uh, uh, नरेंद्र मोदी डॉट इन ये एक वेबसाइट है पीएम मोदी जी की जो है वेबसाइट है तो उसमें जो डॉट इन है ये डोमेन है जो जो इंडिया का डोमेन है उसको हम उस इंडियन डोमेन को हम डॉट इन बोलते हैं या इन डोमेन बोलते हैं ठीक है तो अगर कोई वो डॉट इन डोमेन जो है वो बुक कर रहा है तो उसको नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया कह रहा है कि वो एक बाइस ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस में से कोई में से कोई भी एक जो आप चूज़ करना चाहते हो वो आपको हम फ्री में एक और डोमेन नेम देंगे ठीक है जैसे अगर आप हिंदी लैंग्वेज का आप लैंग्वेज का आप चूज़ करना चाहते हो तो आपको आई डोमेन फ्री मिलेगा उसके साथ ठीक है अगर आप मतलब आप डॉट इन डोमेन ख़रीद रहे हो तो निक्सी ने ये ऑफ़र निकाला था कि जनवरी में वो आपको एक बाईस ऑफिशियल लैंग्वेज में से कोई भी आप चूज कर सकते हो उसमें से एक उस लैंग्वेज का डोमेन नेम आपको वो ऑफर कर रहे थे ठीक है तो ये जनवरी में अवेलेबल था ये ऑफर अभी ऑफ़ कोर्स ये ऑफर नहीं अवेलेबल बट ये इसलिए भी न्यूज़ में था इसलिए इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ कि यूपीएससी में क्वेश्चन अगर निक्सी पे आता है तो ये रिसेंट उनके एक इनिशियटिव इनिशियेटिव में ये पॉइंट अगर आया तो आप इसको कवर कर पाओ तो निक्सी है क्या निक्सी जो है वो एक बेसिकली नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेक्शन एट ऑफ कंपनीज एक्ट में इसको बनाया गया था नाइनटीन्थ जून टू को इसको बनाया गया है में इसको बनाया गया है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर वैसे काम करती है तो जो इंडिया के जो आई होते हैं उसको है जो है उसकी कितनी हमारी जो है वो इंटरनेट जितने भी इंटरनेट प्रो, प्रोटोकॉल होते हैं बैंडवेथ होती है उसको जो है सेट करने का काम राउट जो है पहले अब आपको कैसे समझ आएगा ये मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो कि इंडिया से पहले अगर आप कुछ गूगल करो या फिर आप कुछ भी इंटरनेट यूज़ करते थे तो पहले क्या होता था कि आ, सारा डेटा पहले जाता था यूएस फिर यूएस क्योंकि यूएस में सर्वर्स थे फिर यूएस से डेटा आता था यहाँ वापस ठीक है तो अब फिर उस टाइम पर यह रियलाइज किया गया कि अगर हम जो है अपनी बैंडविथ वगैरह जो है हम खुद कंट्रोल करना शुरू करें अपने आई पे खुद कंट्रोल करना शुरू करें तो हमारा ये डोमेस्टिक ट्रैफिक जो है वो स्पीड एक तो क्या है कि हमको यूएस तक पहले डाटा नहीं भेजना पड़ेगा और वापस आने में टाइम लगता था तो लेटेंसी बढ़ जाती थी तो अब क्या है कि वो डोमेस्टिक लेवल पर रहता है तो हमारी जो है आ, बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारी जो है लेटेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है ठीक है क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो जाती है उससे बैंड विथ चार्जेस भी कम नहीं लगते हैं हमारे लिए ठीक है क्योंकि हमको बाहर नहीं भेजना पड़ रहा डेटा इसीलिए जो है निक्सी को इसके लिए बनाया गया है ठीक है तो डॉट आई जो है वो इंडिया का हमारा आ, इंडिया का डोमेन है जो कि निक्सी जो है उसको कंट्रोल करता है ठीक है वो एक इंडियन रजिस्ट्री है तो आप जो डोमेन नेम खरीदते हो इंडियन आ, हमारे डोमेन्स के उसको आप निक्सी के थ्रू ही एक तरह से ख़रीदते हो ठीक है तो ये हमारी गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है So now let us see this topic in English Nixie. So this National Internet Exchange of India has celebrated its uh, 18th foundation day and uh, let us see what have what have uh, what are the recent announcements by Nixie since the year 2021 because we are going to cover only the recent things. Uh, which are important for the ups exam so in january month itself this uh, nixie announced an offer that they will be offering a free internationalized domain name in any of the preferred 22 official languages of india if uh, anyone uh, purchases a, the dot in domain so if you purchase a, a web uh, let us say uh, this uh, i'm we are going to purchase a domain name from this prelim for this prelims booster so if i per, purchase a domain name uh, as uh, such as prelims booster .in, then i was being offered by nixie that you can purchase another domain name for free from us uh, fr in any of the 22 official languages so i could have purchased a a, a, a Hindi domain name also from them for free. Okay, so they were also offering a free email in local languages, and, uh, and it this offer was valid only for the month of January. Okay, so, anyways, uh, we have to look what is this Nixie. So, this is basically a not for profit organization, it uh, works under the Ministry of uh, Electronics and Information Technology. It was set up because India wanted to control the uh, ISPs among itself because otherwise we we had to reroute these ISPs from the from abroad or basically from US because majority of uh, uh, internet companies were there and we had to send the data. Uh, 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 let's take an example that you uh, are trying to open a website or trying to open uh, uh, or trying to or trying to. Uh, surf the internet then your data would have to go first to the us and then it comes back to the to your system again okay but what happens with this what what is the problem with this uh, system that it uh, it uh, increases the latency okay so it uh, also leads to uh, huge bandwidth charges because it every time you are searching something it is being internationalized and we want that in uh, to save our international bandwidth by using our domestic resources. Okay, so to reduce uh, the bandwidth charges uh, by by saving on international bandwidth and to improve the quality of service by re reducing this latency, government decided in nineteen June 2000, on nineteen in June two thousand thirty uh, three basically that we should set up this Nixie, so which will control this. Uh, traffic uh, of uh, indian isps among itself okay so it is also the controlling and registering the .in domain for india okay so it is basically an indian registry from which you purchase domain names and internet names uh, etc and the functions of irinn are also being uh, have also been transferred to this Nixie. okay so अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ब्लैक मनी इन स्विट्जरलैंड तो अभी न्यूज़ आ रही थी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि जो है इंडियंस uh, का जो पैसा है स्विस बैंक में वो बहुत बढ़ गया है एंड एट द एंड ऑफ 2020 तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है वो एक क्लैरिफिकेशन दी है कि मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत हैं इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में ये uh, जो है ट्रीटीज साइन हुई हैं ठीक है जैसे मल्टी कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर्स ठीक है फिर जो है मल्टी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट उसी की वजह से क्या है एक हमारे पास ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक क्लॉज है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इंडियन नेशनल स्विट्जरलैंड में अपना बैंक अकाउंट खोलता है या आपको वहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन करता है तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो ऑटोमेटिकली इंडिया को इन्फॉर्मेशन देती रहती है इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देती रहती है तो ये दो से ये एक्टिवेट हो चुके हैं इसके प्रोविजंस तो अगर किसी ने अगर कोई एक तरह से इलीगल कुछ ट्रांजैक्शन की है तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन गवर्नमेंट को वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती जा रही है ठीक है तो गवर्नमेंट जो है वो यही कह रही है कि ऐसा नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे को इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वहाँ से आ गई होती तो और इतना भी नहीं है कि वहाँ की स्विस गवर्नमेंट जो है वो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन्स को छुपा रही होंगी इस ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्लॉज से क्योंकि अगर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन को आप छुपाओगे तो कहीं ना कहीं से तो पता लगेगा तो ये एक तरह से बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है तो इसलिए छोटी मोटी ट्रांजेक्शन आप सोच सकते हो कि शायद छुपा ली जाती हो या वैसे उसको भी छुपा के कोई फ़ायदा नहीं है बट अब ये 2018 से ये डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं इंडिया और स्विट्ज़रलैंड जो है वो आपस में जो है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स गलत क्यों हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं उसमें खुद की उनकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये मेंशन है कि ये जो डेटा है जो इनकम का डेटा है वो स्विस बैंक्स ने अपनी गवर्नमेंट को बताया है स्विस नेशनल बैंक को बताया है तो क्या वहां की जो बैंक्स हैं वो अपने स्विस नेशनल बैंक को ये बताएंगे कि हमारे पास ब्लैक मनी इंक्लूडेड है हमारे हमारे डिपॉजिट्स में वो तो सिर्फ ये बता रहे हैं ना कि हमारे पास इतना ऑफिशियल फिगर्स जो हैं जो इंडिया के अकाउंट होल्डर्स हैं या इंडिया से जो इन्वेस्टमेंट आई है या इंडिया से जो भी हमारी ट्रांजेक्शन वो इतनी क्वांटम की हुई है ठीक है लेकिन वो ये तो नहीं बता रहे ना कि हमारी ब्लैक मनी इतनी ज़्यादा है ठीक है ब्लैक मनी तो कोई भी बैंक नहीं बताएगा आप सोच सकते हो कि कोई बैंक बोलेगा कि हमारे पास इतनी ब्लैक मनी डिपॉजिट हुई है ठीक है तो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ये एक तरह से गलत तरीके से प्रेजेंट किया है कि जो डेटा बैंक्स स्विस बैंक्स जो अपने नेशनल बैंक को दे रहे हैं जो वहाँ का समझ लो उनका जो नेशनल बैंक है जैसे हमारा आर है उसको हमारे मीडिया वाले कह रहे हैं कि वो डेट जो इन्फॉर्मेशन uh, है वो ब्लैक मनी की इन्फॉर्मेशन है बट वो ब्लैक मनी की इन्फॉर्मेशन नहीं है वो सिर्फ एक ये इन्फॉर्मेशन है कि कितना जो है आ, अलग अलग कंट्री के सिटीजन्स अपना पैसा कितना होल्ड करते हैं वहाँ पर ठीक है तो अब ये है इंडियंस और एन आर जो हैं उनका जो पैसा जितना है वहाँ पर इंक्लूडेड है वो जो थर्ड कंट्री एंटिटीज़ के थ्रू वो राउट करके लगा रहे हैं स्विस बैंक्स में वो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने नहीं दिए हैं ठीक है और असल में पैसा वही होता है जो भी जो अगर थर्ड का आप समझ लो मैंने अगर वहाँ पर कुछ ब्लैक मनी जमा करानी है तो मैं नहीं ऐसा करूंगा ना कि मैं जाकर सीधा बोलूँगा कि मुझे अकाउंट खुलवाना है और मैं उसमें अपना ब्लैक मनी जमा करना लगूँ ठीक है मैं हमेशा क्या करूँगा किसी और कंट्री के थ्रू नेपाल या बारबाडोस या ऐसे किसी कंट्री के थ्रू वहाँ के किसी कोई को, 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 एक फेक कंपनी खोल के फिर मैं वहाँ पर पैसा जमा कराऊँगा ठीक है तो थर्ड कंट्री एंटिटीज़ जो है उस जो उसका जो पैसा आया है उस डेटा को जो है वो उसमें नहीं इंक्लूड किया गया

अवेलेबल है ठीक है तो एक तरह से कम हुआ है वहां पर हमारा पैसा बढ़ा नहीं है ठीक है और जो मेजोरिटी ऑफ वहां पे हमारे पैसा लगा हुआ है वो बॉन्ड सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो डील करते हैं वो वाला पैसा ज्यादा लगा हुआ है ठीक है तो अब गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि क्यों जो डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज हुए हैं स्विट्जरलैंड में उन्होंने बोला कि एक तो बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी हैं खासकर जब से ब्रेगजिट हुआ है तो स्विट्जरलैंड से हमारी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन वो इंक्रीज़ हो रही हैं ठीक है, है? आ, यूरोप में है एक तो यूरोपियन यूनियन में नहीं है स्विट्जरलैंड याद रखना बट यूरोप में है एक यूरोप में जो है डेस्टिनेशन चाहिए होती है इंडियन कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए तो आफ्टर लंडन जो है अब वो नदरलैंड और स्विट्जरलैंड के थ्रू जो है वहाँ पर बिजनेस किया जा रहा है ठीक है फिर जो है स्विस बैंक की जो ब्रांचेस इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनमें भी तो हमारे डिपॉजिट्स हैं हमारे लोगों ने वहां पर डिपॉजिट्स खुलवाए हैं हमारी कंपनीज ने वहाँ डिपॉजिट्स खुलवाए हैं तो वो पैस, पैसा भी इसके अंदर काउंट किया जा रहा है फिर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस जो स्विस बैंक और इंडियन बैंक्स के बीच में आपस में ट्रांजेक्शन होती हैं वो भी जो है वो इंक्रीज हुई है बिजनेस इंक्रीज होने की वजह से ठीक है तो वो भी इसमें इंक्लूड है फिर जो कैपिटल इंक्रीज एक सब्सिडरी का ठीक है एक स्विस कंपनी अब समझ लो कोई बहुत बड़ी कंपनी स्विस कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है अगर इंडिया में तो उसकी भी एक तरह से जब वो उसमें कैपिटल डालेगी तो उसको पैसा मिलेगा ठीक है वो एक सब्सिडरी जो है अब यहां से जो सब्सिडरी वो खोलेगी समझ लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि नोवाटिस एक कंपनी है ठीक है तो उसने यहाँ पर एक कोई और कंपनी ए नाम से खोल दिया है इंडिया में बिजनेस कर रही है तो वो ए जब अपनी ओरिजिनल कंपनी को पैसा ट्रांसफ़र करेगी स्विट्ज़रलैंड की जो कंपनी को तो भी तो जो है वो कैपिटल वहाँ पर इंक्रीज़ होगी ठीक है तो उसमें वहाँ पर डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पैसा जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इंडिया से आया हुआ पैसा तो हमें ऐसा लगेगा कि डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं मीडिया वाले उसको ऐसा दिखाएंगे कि जैसे ब्लैक मनी वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है ठीक है फिर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स में जो डीलिंग uh, हो रही है उसमें भी लाइबिलिटीज़ uh, का इंक्रीज़ हुआ है रिसेंटली उसकी वजह से भी जो है डिपॉजिट्स वहां पर स्विट्जरलैंड में इंक्रीज होने लगे हैं ठीक है तो ये गवर्नमेंट ने आंकड़े रखे हैं सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश ब्लैक मनी एंड इन स्विट्जरलैंड सो मीडिया हैज रिपोर्टेड रिसेंटली दैट द फंड्स ऑफ इंडियंस इन स्विस बैंक्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट 1 ईयर एज कंपेयर टू The year of 2019. So, we should know that India and Switzerland have signed some treaties regarding uh, which we are being transferred or we are exchanging information on an automatic basis since the year 2018, and any financial information uh, conducted between Indian and Swiss uh, banks or the uh, depositors, they are automatically exchanged by these uh, two governments. Okay, so uh, the uh, the media reports they are saying they are basically alluding, alluding. Uh, what does the mean? The term mean? Uh, the term allude mean? So media reports are uh, hinting a little. Uh, they are laying less focus on the important subjects that. Uh, these figures which the swiss banks have reported to their national bank or to their uh, what we can call their own rbi basically their own uh, national bank so swiss like in our, in our, india our banks report that they have they have such and such amount of uh, money of uh, this uh, of these foreigners in our, uh, our in our bank they reported to rbi similarly swiss banks have reported to the swiss national bank that they have this and this much info they send this much uh, deposits of indians in their bank account okay but this does not mean that it is a it is black money okay it is just an official figure uh, reported by the banks of uh, banks to the swiss national bank okay so it does not actually mean that it is black money Okay, so what is the actual status? The government is saying that the black, uh, this uh, customer deposits have actually fallen from the end of 2019 and they have almost halved from the end of 2019. Most of the money, uh, most of these deposits are held in possession by the uh, depositors in the form of bonds, securities and other financial instruments so government is also saying that why this uh, deposit increase which these banks have reported to the swiss national bank why this deposits have been increased in switzerland it is because of several reasons these factors are enumerated here that in uh, indian companies in switzerland are doing uh, uh, an increased amount of business transactions because of uh, after uh, especially after the brexit uh, these uh, indian companies are using switzerland as a financial hub for them okay so, and then swiss bank bank branches located in india they are also uh, they are also seeing an increase in deposits because indians are also de depositing money in uh, in these swiss banks okay like uh, ubs you know that it's a swiss bank so it is expanding business in india uh, and uh, basically uh, swiss banks are also uh, in uh, taking in the deposits from india indian citizens and there are there is interbank transaction also okay so swiss banks and indian banks they both uh, transact uh, between themselves also so this transact these transactions have also increased because of several reasons that's why uh, depositors in Swiss, uh, the Indian depositors in Swiss banks have increased. Okay, there is also a capital increase for a subsidiary of a Swiss company. So, like I've given you an example. So, let's assume that there is a company named uh, ABC, okay, in Switzerland. So, it is operating in India via subsidiary company, uh, namely MN. Uh, uh, you can take it XYZ. Okay, so when this xyz earns money in india and it transfers uh, the money to its parent company in switzerland so the when this transfer occurs the money with abc will increase and that money has been earned out of india so this capital increase for a subsidiary will also amount to an increase in deposits okay similarly liabilities such as uh, de in derivative financial instruments now what are these derivative financial instruments so basically these are uh, financial instruments in which you are uh, which are traded in commodity exchanges and uh, uh, stock exchanges so these have also which have basically uh, uh, these financial instruments basically derive value from some other source okay so these have this uh, the liabilities have uh, regard connected with these dfis have also increased that's why the deposits in uh, of indian uh, indians in switzerland have have increased recently okay so लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिकल सेल डिसीज तो अभी जो है वर्ल्ड सिकल सेल डिसीज़ डे था नाइनटीन जून को तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक सेकेंड ऑनलाइन नेशनल कॉन्क्लेव जो है वो कंडक्ट किया था तो हम देखते हैं कि सिकल सेल डिसीज क्या होती है तो बेसिकली ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में उसको अफेक्ट करती है ठीक है उससे क्या होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारी ऑक्सीजन uh, हमारे पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं वो जो है उनको अफेक्ट करता है हमारा वो बनाता है मतलब हेम, हेमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाता है लेकिन इसमें क्या होता है सिकल सेल डिजीज में हेमोग्लोबिन एस बनना शुरू हो जाता है उससे क्या होता है हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिकल शेप्ड के हो जाते हैं क्रिसेंट शेप्ड होते हैं ना जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे कॉम्युनिस्ट जो आपका uh, जो फ्लैग है ठीक uh, है जो भी कॉम्युनिस्ट फ्लैग होता है तो उस पर एक सिकल बना होता है ठीक है इसको हिंदी में हम आई थिंक दराती भी कहते हैं ठीक है तो या फिर पंजाबी में जो है वो उसको दात्री बोलते हैं तो उस शेप उस उस शेप के जो है वो हमारे सेल हो जाते हैं तो उस उसी को हम सिकल सेल बोलते हैं क्योंकि सेल्स जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स सिकल सेल शेप के हो जाते हैं इसीलिए हम उसको सिकल सेल डिसीज़ बोलते हैं अब इसमें क्या होता है कि अनिमिया हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स के नंबर बहुत कम हो जाएगा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में बहुत पेन होगी बॉडी में ठीक है और कई केसेस में बहुत सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत जल्दी वो ब्रेकडाउन होने लग जाते हैं रेड ब्लड ब्लड सेल्स ठीक है जब बहुत जल्दी ब्रेक ब्रेकडाउन होने लगेंगे तो आपकी बॉडी में अनिमिया की सिचुएशन आने लगेगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फटीग ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाएगी ठीक है येलोइंग ऑफ आईज और स्किन होने लगेगी ठीक है फिर जॉन्डिस जैसा आपको दिखने लगेगा आपका बॉडी येलो होने लगेगी क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जल्दी ख़त्म हो रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की भी सिचुएशन आ सकती है ठीक है फिर हार्ट फेलियर तक भी इससे हो सकता है ठीक है सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश सिकल सेल डिसीज़ सो टू कमेमोरेट दी वर्ल्ड सिकल सेल डिसीज डे ऑन नाइनटीन जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ कंडक्टेड एन ऑनलाइन कॉन्क्लेव ऑन सिकल सेल डिस इन इंडिया एंड वट वी हैव टू सी वट इज़ दिस sickle cell disease so this disease basically affects the hemoglobin which is present in our blood okay and this hemoglobin is responsible for the uh, manufacturing of red blood cells which uh, deliver oxygen to the cells throughout the body and in this sickle cell disease what happens is this uh, a particular form of hemoglobin hemoglobin s starts distorting the red blood cells and it converts these red blood cells into sickle cell sh sickle shaped okay so uh, they start it uh, this hemoglobin s starts distorting our red blood cells and what happens is because of this distortion uh, we uh, this uh, the person suffering from this disease enters into a stage of anemia and other infections and there is body pain also and there are other symptoms also such as because these these red blood cells uh, are have started to sickle and uh, they have started to uh, change their shape they start it start breaking down prematurely and because of that we this uh, situation is uh, culminates into anemia okay so because of that you have shortness of breath uh, fatigue de delayed growth and development yellowness of the eye and the skin and similarly uh, a situation similar to a jaundice okay so it इन एक्सट्रीम सिचुएशन इट कैन ऑल्सो लीड टू हाई ब्लड प्रेशर एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू हार्ट फेलियर ओके सो नाउ लेट सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एन डी पी एस एक्ट तो अभी क्या हुआ त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक बहुत ही पैक्यूलियर केस गया तो एन डी पी एस एक्ट जो है हमारा उसमें आपको मैं समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है एनडीपीएस एक्ट क्या हमारा जो ड्रग्स के साथ डील करता है उसमें सज़ा देता है ठीक है तो यही प्रिंसिपल लेजिलेशन है जो कि हमारा नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबस्टांसिस को कंट्रोल करता है तो जो सेक्शन ट्वेंटी सेवन ए है वो ये कहता है उसके अंदर जो है कुछ जो है पनिशमेंट दी हुई है कि अगर आप इन इन ड्र, इन, इन ड्रग्स के अंदर डील करते हो तो आपको जो है दस साल से लेकर बीस साल तक की सजा हो सकती है तो इस सेक्शन सत्ताईस ए में ही बताया हुआ है कि जो सब सेक्शन जो हमारा सेक्शन टू का एट ए है उसके अंदर हमने जो लिस्ट दी हुई है जिन जिन ड्रग्स की उसमें अगर आपने डील किया तो ये सेक्शन सत्ताईस ए जो है वो आपको सजा देगा ठीक है लेकिन दो में क्या हुआ 2014 में जिन्होंने उस लॉ में अमेंडमेंट करी थी जो भी जो भी वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे लॉ मिनिस्ट्री में उन्होंने क्या किया इतनी बड़ी एक मिस्टेक कर दी कि 2014 में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी थी कि जो हम मॉर्फिन होता था जो कि बहुत ही हमारा एक तरह से मेडिकल यूज में हमको यू, पेन किलर की तरह यूज करना पड़ता है तो उसको बहुत हम पहले वो हमारे इस लिस्ट में आता था सेक्शन टू की जो एट ए लिस्ट है ठीक है जिसमें जो बैंड सब्सटांसिस एक तरह से आप देख लो ठीक है तो मॉरफीन को उसमें से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसको असेंशियल बनाना था कि ये असेंशियल है हमारे लिए तो इसमें ताकि इसका अच्छी तरह से इसको ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग वगैरह की जा सके असेंशियल नार्कोटिक ड्रग बनाना था इसको तो इसके ये 2014 में एक अमेंडमेंट की गई और क्या किया गया कि सेक्शन uh, 9 में और सेक्शन 2 में इसको डाल दिया गया ठीक है कि ये असेंशियल है लेकिन क्या किया जो बाकी जो सेक्शन 2 के 8 ए में बाकी ड्रग्स बचे थे उसका नाम चेंज करके उस सेक्शन 2 ए, का जो 8 ए है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया सेक्शन 2 का 8 बी ठीक है तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि सेक्शन टू के एट बी के अंदर अब वो ड्रग्स आ गए जिस जो जो बैन है और जो सेक्शन टू बी के जो टू एट बी के जो ड्रग्स हैं अगर उसमें कोई डील कर रहा है तो उसको सजा मिल, मिल, मिल जो एक्चुअली जो सेक्शन टू के एट ए में जो जो ड्रग्स थे पहले उसमें जो जो डील करता था उसको सेक्शन सत्ताईस ए के तहत सजा मिलती थी अब क्या किया जो वो ड्रग्स की जो लिस्ट थी उसको उठा के सेक्शन टू का एट बी में डाल दिया गया तो अब जो ये सेक्शन टू का एट ए था वो तो खाली हो गया वो वो लिस्ट तो खाली हो गई लेकिन सेक्शन जो 27A है है क्या कह रहा है? कि हम सजा उन उन केसेस में देंगे जो सेक्शन टू का एट ए वाले जो ड्रग्स हैं उसमें डील कर रहा है अब वो तो ये जब से अमेंडमेंट हुई है वो तो वो तो लिस्ट खाली हो गई है ठीक है तो ये चीज किसी के ध्यान में नहीं आई लेकिन अभी क्या हुआ त्रिपुरा में एक पर्सन था वो उस ड्रग्स के अंदर उनमें से किसी एक ड्रग में डील कर रहा था जो पहले सेक्शन टू एट ए में ठीक है तो सेक्शन सत्ताइस ए के खिलाफ उसके ऊपर पेनल्टी लगी जब वो कोर्ट में गया तो उसने बोला कि सेक्शन सत्ताईस ए तो कह रहा है कि सेक्शन एट टू का जो एट ए है एट ए वाला जो सेक्शन है उसमें जो जो ड्रग्स मेंशन है अगर आपने उसमें से जो है उसमें से किसी में डील किया तो आपको सजा मिलेगी लेकिन सेक्शन टू का जो जो ये एट ए है इसमें तो कोई लिस्ट में कुछ है ही नहीं खाली है ये लिस्ट तो ठीक है तो फिर अब वहां पर जो है लॉ मिनिस्ट्री को बुलाया आ, हाई कोर्ट ने वहां के कि ये बात तो सच कह रहा है कि जो मैंने सत्ताईस ए में आप मुझे तभी पनिशमेंट दे सकते हो अगर मैंने जो है टू जो ये एट ए वाले ड्रग्स में किसी में से डील किया हो लेकिन एट ए में तो कोई लिस्ट में है ही नहीं कोई ड्रग वो तो ब्लैंक पड़ी है लिस्ट ठीक है फिर लॉ मिनिस्ट्री ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो आप इसको ओवर कर दो इस गलती को और जो है लेजिस्लेशन की आप स्पिरिट को फॉलो करते हुए इसको आप पनिशमेंट दे दो ठीक है आ, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि क्रिमिनल लॉ जो है वो रेट्रोस मतलब लॉ मिनिस्ट्री ने उसमें बोला कि हम बाद में इसको अमेंड कर देंगे आप अभी तो इसको जो है वो लेजिस्लेशन की स्पिरिट के हिसाब से आप इसको पनिशमेंट दे दो फिर जो है हाई कोर्ट ने ये बात बोली है सच बात है ये कि क्रिमिनल लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड नहीं हो सकते हैं ठीक है अब 2014 के बाद से लेके आप सोच लो 2000 ये जो है 21 दो हजार सोलह का जो टाइम है जो दो साल का पीरियड था उसके बीच में ये 27 ए के, के, के रिलेटेड जो भी केस हुए होंगे उनको आप सजा जो है वो बाद में नहीं दे सकते क्योंकि आपने आपने वो गलती की हुई है 2014 से लेके 2016 तक की ठीक है तो आपका वो उस टाइम पर जो लिस्ट अगर खाली पड़ी है अगर वो उसके उस टाइम पर किसी ने क्राइम कर दिया तो वो उसको 2014 से लेके 16 तक के ही जो है पीरियड की सजा मिल सकती है और उस पीरियड में तो कोई सजा है ही नहीं है क्योंकि हमने गलती से वो लिस्ट खाली छोड़ दी है तो क्योंकि हम क्रिमिनल लॉज को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से जो है वो अमेंड नहीं कर सकते आर्टिकल ट्वेंटी हमारा यही कहता है ना डबल जोपर जिसके अंदर कहा जाता है कि सिविल लॉज को तो हम कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट लेकिन जो हमारा क्रिमिनल लॉज है उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अब यही केस फंसा हुआ है कि इस हिसाब से क्योंकि गवर्नमेंट की एक गलती है लॉ मिनिस्ट्री की गलती है उसके हिसाब से इनको ये सेक्शन 27 ए में उस हम पर्सन को जो है वो नहीं वो हम कर पाएंगे अक्यूज को हम जो है वो नहीं पनिश कर पाएंगे क्योंकि जो लिस्ट जिस ड्रग्स की वो बात जिस जो सेक्शन 27 ए में जिन जिन ड्रग्स की जो पनिशमेंट देनी है वो ड्रग्स की जो लिस्ट जहां से से आती है जो जहां पर मेंशन है उस लिस्ट में तो इस टाइम पर कोई वो मेंशन ही नहीं है ठीक है उसके अंदर कोई भी जो है वो ड्रग्स मैंशन नहीं थे वो लिस्ट ही ब्लैंक थी ठीक है तो ये एक प्रॉब्लम वहां पर सिचुएशन क्रिएट हुई है तो इसके बारे में ये इसलिए न्यूज़ में चल रहा है सो नाउ लेट लेटेस्ट सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश सो द टॉपिक इज़ एन एक्ट so recently a very peculiar uh, case happened in tripura high court uh, in which uh, the ndps act was in question okay so let us uh, let me tell you in simple terms so there is a list uh, under 20, uh, section there is a section 27a which pro, uh, prescribes punishment for people who deal with uh, all the drugs mentioned in section 28a Okay, so this 8A is basically a list of drugs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, some 10, 20 drugs. And this section 27A is saying that if you deal in all the drugs mentioned in 8A, then you will be punished for 10 years or 20 years. Okay, so if I delete this 8A list, this 27A will become inoperational or it will become meaningless. Okay, so this has actually happened. Okay, how this ha has happened? This 8A list wa was prescribing a list of drugs uh, in which morphine was also there already. Okay, so but the government wanted to deal with morphine because it's a painkiller; it's uh, it has medicinal use. Okay, so government made an amendment in 2014, and it by mistake it deleted this a to uh, this 8A list and created a new 8B list so this 8a list was blank it was left blank and this new 8b list was created so those who were dealing with this law they, who, those who made this law they failed to update the section 27a in which it was written that the list which is contained in two uh, which is contained in 8a all those drugs you cannot deal with that okay so ideally they had to they, they must have amended section 27a also because it was saying that uh, they are penalizing all those who are who have dealt with the drugs in 8a but now this 8a does not exist because it is a blank list now the actual list is 8b so they should have made an amendment in section 27a also that you cannot deal with all those drugs mentioned in 8b okay so but they didn't do it. Those, those who drafted this law, they failed to or they uh, probably missed this uh, change in section 27a. So what happened? There was a case in 2016 and the person uh, who was uh, who was held by the police or the uh, the, the accused. Uh, he said that yes, you uh, you are trying to uh, you are accusing me under section 27a but how will you penalize me because this 27a is asking me uh, th because this 27a is saying that you will prosecute me under the uh, 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 after dealing if i deal with uh, the drugs mentioned in the list a but there is no list it's a such thing as any drug mentioned because there is, but there is no drug mentioned in a list so what happened is Tripura High Court saw this that uh, there, there has been an anomaly and it called the law ministry of India the law ministry ac ac accepted the mistake and it said that you must overlook this omission and you must read uh, read this legislation as a whole and punish the culprit under this under the spirit of this law but the High Court has said that you uh, and the, of course, after that, the law ministry said that we will uh, rectify this anomaly and we will amend this list now and we will amend this Section 27A. But there is a problem now because this crime has been committed during a period when this this anomaly existed and because this is a criminal act, you cannot amend a criminal act uh, retrospectively now. दिस पर्सन कुड आइदर बी फ्रीड और इट दिस पर्सन कुड बी ट्राइड इन सम अदर लॉ ओके तो दिस इज द प्रॉब्लम विच इज़ फेसिंग विच इज बी फेस्ड बाई द त्रिपुरा हाई कोर्ट एंड वी हैड टू सी दिस ओके सो नाउ लेट ए सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आई सी मेड वन थ्री फोर एट फाइव प्लस तो ये है क्या ये एक हमारा जो है सर्टिफिकेशन का एक स्टैंडर्ड है की जो मेडिकल जो हमारे इक्विपमेंट बनते हैं या डि डिवाइसिस बनते हैं उसकी जो है हाँ आपको जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो उसका उस वो एक मेंशन किया है कि आपको आई सी मेड वन थ्री एट वन थ्री फोर एट फाइव जो है प्लस जो है वो आ, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं तो ये स्टैंडर्ड्स बनाए हैं किसने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनुफैक्चर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस उन्होंने जो है सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस जो रूल्स हमारे 2016 सोलह में जो एक स्कीम आई थी उसके अंदर ये रूल्स बनाए हैं न्यू रूल्स जो हैं वो क्वालिटी सेफ्टी और एफिकेसी को मेडिकल डिवाइसिस को जो है वो डील कर रहे हैं ठीक है तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये क्या रूल्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये एक नेशनल बॉडी है जो कि रिकमेंडेशन uh, पर बनाई गई थी एक्सपर्ट मिशन भेजा गया था ईयू में उसने जो है वो एक तरह से इंटर मिनिस्टेरियल टास्क टास्क फोर्स फोर्स के साथ कंसल्ट किया और फिर एक कैबिनेट डिसीजन के बेसिस पर 1996 में इस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया ये एक पीपीपी मोड पर बनाई गई थी ये बॉडी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट को जो हमारी इंडस्ट्री है वो uh, एक तरह से एडवाइज़ भी करती है और इसमें रिप्रेजेंटेड भी है इस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में राधर इसके जो चेयरमैन होते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के वो पी अपॉइंट करते हैं लेकिन रिकमेंडेशन कौन देता है इंडस्ट्री जो है हमारी जो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसओचैम, फिक्की और ये सी आई आई ये रिकमेंडेशन देते हैं कि इनको आपको चेयरमैन बनाना चाहिए ठीक है जो हमारे गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है वो इसकी नोडर मिनिस्ट्री है उनके अंडर ही है एक ऑटोनोमस uh, बॉडी आती है ठीक है सो नाउ लेटेस्ट सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश आई सी मेट वन थ्री फोर एट फाइव प्लस सो दिस इज बेसिकली न्यू क्वालिटी स्टैंडर्ड विच इज डिज़ाइंड फॉर दी मेडिकल डिवाइसिस विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनुफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसिस दे हैव And added another feature to this uh, uh, quality standard because this quality standard is uh, is a, uh, uh, this quality standard was uh, derived from a scheme which which was a certification of medical devices in 2016, and this uh, quality standard basically uh, oversees that if uh, all the qualities of these medical devices. Uh, are maintained and the safety and efficacy of medical devices are maintained. So that's why, like we have hallmarking for gold jewelry. Okay, similarly we have these standards for the medical devices. Okay, so we have to see what this this Quality Council of India. It is basically a an autonomous body which was created in the year to the, uh, 1996 through a cabinet decision, and it was set up through a PPP model with the public private uh, that is public private partnership. So uh, the government of india has uh, constituted it with the representation of the in indian industry. okay, the chairman of qci is also appointed by the prime minister on the recommendation of the in, uh, industry to the government. okay, uh, the department of promotion and uh, of industry and internal trade, it is the nodal ministry of qci. so there was a question in, uh, uh, i think, prelims 2017 regarding this Q quality council of india. So, this has been in news uh, again. So, you must remember the facts out of this topic. Okay. Uh, so, now let us see the next topic, which is flag satyagraha. सो so, अभी रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म जो है उन उन्होंने जो है मिनिस्टर ने जो है वो फ्लैग सत्याग्रह जो है वो ऑर्गेनाइज किया था ठीक है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं कि फ्लैग सत्याग्रह कब कब ऑर्गेनाइज किया गया है और उसका क्या एक तरह से मोटिव होता है तो फ्लैग सत्याग्रह जो है पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस होती है और जो कि राइट एंड फ्रीडम टू जो है टू हॉश दी नेशनल फ्लैग हमारा जो हक है और हमारी जो एक तरह से आज़ादी है कि हम अपने नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट कर सकते हैं उसके लिए इस ही ये फ्लैग सत्याग्रह जो है वो किया गया किया गया था बेसिकली ब्रिटिश रूल के टाइम पर ठीक है तो फ्लैग सत्याग्रह जो है वो बेसिकली जबलपुर और नागपुर में 1923 में जो है वो किए गए थे और उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक तरह से फ्लैग हॉइटिंग है वो हमारे लिए कौन सी है पूर्ण स्वराज जो डिक्लेरेशन दी गई थी कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रावी रिवर के पास उस टाइम पर जो है हमारा फ्लैग जो है उसको हॉस्ट किया गया था 1929 में उसके बाद और भी कई जो है वो फ्लैग सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किए गए जैसे मैसोर में 1938 में जिनको हम शिवापुर ध्वज सत्याग्रह कहते हैं ठीक है तो ये कुछ फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे सो नाउ लेटस्ट सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश फ्लैग सत्याग्रह so ministry of, minister of culture and tourism uh, has observed this flag satyagraha in jabalpur madhya pradesh and there is some uh, historical background to this so this uh, flag satyagraha is basically a movement or campaign for uh, for peaceful civil disobedience and it uh, is focused on the on the rights of citizens to uh, hoist the national flag it, it uh, these flags Satyagrahas were were conducted in the city of Jabal, Jabalpur and Nagpur in 1923. So it uh, in 1929 we also hoisted the Indian national flag in the near the Ravi uh, uh, near the banks of the Ravi River in, in Lahore. During the adoption of Swaraj declaration okay so there were other similar flags satyagrahas so we just had to see the historical background of these flags at okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care